असलम एवरीवान दिस इज तहलील शाह आई होप ऑल ऑफ यू आर इन गुड हेल्थ आज के लेक्चर में आई विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रैटेजी फॉर आंसर राइटिंग अब देखिए जो भी आई एस के लिए प्रिपेयर कर रहा है के एस के लिए प्रिपेयर कर रहा है आपको पता होनी चाहिए ये एग्जाम आपके आंसर राइटिंग के ही एग्जाम है अगर आपके पास ये एक स्किल होगा आंसर राइटिंग का देन नो बड़ी कैन स्टॉप यू यू नो फ्राम क्वालिफाइंग दिस एग्जाम प्रिलम्स इज़ नॉट यू नो एक्चुअल एग्जामिनेशन प्रिलम्स तो बस क्वालिफ़ाई करने के लिए भाई ये फ़िल्टर का, का काम करता है जैसे आप चाय बनाते हैं चाय में जो जो आपको चाय की पत्ती को फिल्टर आउट करना होता है लाइक जस्ट लाइक दैट यू वॉन्ट फ़िल्टर आउट स्टूडेंट्स था क्योंकि आप दस लाख लोगों का या छः लाख लोगों का आप मेन्ज नहीं करा सकते छः लाख लोगों के आप आंसर्स चेक नहीं कर सकते तो इसीलिए आप छाट मारते हैं आप प्रिलिम्स में यू नो फिल्टर आउट करते हैं ताकि आपको दस पंद्रह बच्चे ही मिले जिनका आपको मेन्स का आंसर राइटिंग चेक करना पड़े नाउ आंसर राइटिंग एक ऐसा स्किल है जो जब डेवलप हो जाता है तो ये एग्जाम काफ़ी आसान हो जाता है फिर उनके लिए तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम आंसर राइटिंग के बारे में ही बात करेंगे ना सी आंसर राइटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज आपका आंसर का स्ट्रक्चर क्या होता है ना स्ट्रक्चर जो होता है हम उसको आई के नाम से बोलते हैं पहला तो आपका होता है इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन उसके बाद अगर एग्जाम अगर क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर आप डाइग्राम बना सकते हो तो डाइग्राम बना लेनी चाहिए उसके बाद बॉडी और बॉडी में हर एक क्वेश्चन के पार्ट को एड्रेस करना होता है एंड फाइनली यू हैव टू सूटेबली कंक्लूड द आंसर तो आईडीबीसी के हिसाब से यू हैव टू स्ट्रक्चर योर आंसर नाउ द थिंग इज भाई आंसर जब पढ़ा पढ़ना शुरू करेगा एग्जामिनर वो पहले सबसे पहले क्या पढ़ेगा वो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेगा इंट्रोडक्शन आपके आंसर की शक्ल है आपके आंसर की फेस है तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आई आई एम इंटायरली फोकसिंग ऑन इंट्रोडक्शन कि हाउ टू राइट अ गुड इंट्रोडक्शन अच्छा इंट्रोडक्शन क्या होता है एंड वट इज़ अ बैड इंट्रोडक्शन कि आप कैसे किस नो क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी है कि किन चीज़ों से आंसर को शुरू नहीं करना है और किन चीज़ों से आंसर को आप शुरू कर सकते हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पहले यू नो हम ये देखेंगे कि आ, आ, आपकी मिस्टेक्स क्या क्या होती है आ, जब भी हम आंसर राइटिंग के एग्जाम कराते हैं अभी हमारा के का मेंस का आंसर राइटिंग का चल रहा है अभी बिकॉज उनका मेंस होने वाला है कुछ टाइम में तो उन स्टूडेंट्स में हमें क्या क्या मिस्टेक्स लगी फाइन तो मिस्टेक नंबर वन क्या है जैसे मिसिंग द कॉन्टेक्स्ट कभी इर इंट्रोडक्शन होता है अनरिलेटेड इंट्रोडक्शन होता है जिस जो क्वेश्चन में पूछा भी नहीं है कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन है मिस्टेक नंबर टू आमतौर पर आपने डेफिनेशन ही गलत दी होती है या अगर डेफिनेशन दी भी है इनकम्प्लीट है नॉन स्टैंडर्ड डेफिनेशन है घर पे बनाई है उसके बाद मिस्टेक नंबर थ्री गिविंग फैक्चुअली इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने फैक्ट ही गलत डाल दिया आपने इंट्रोडक्शन के अंदर तो ये तो क्राइम कर दिया आपने उसके बाद मिस्टेक नंबर फोर इतना लंबा इंट्रोडक्शन कि आपकी बॉडी के जितना का इंट्रोडक्शन होता है अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन डाली होती है उसमें मिस्टेक नंबर फाइव स्टार्टिंग एन इंट्रोडक्शन विद अ मेजर डायग्राम ऐसा भी हमने देखा कि अभी आंसर शुरू शुरू ही हुआ पहले ही डायग्राम चिपका दी उन्होंने तो दैट इज नॉट वॉट यू शुड डू यू शुड यू नो फॉलो आई डी बी सी उसके बाद है मिस्टेक नंबर सिक्स एम्बिगस और ओवरली ओवरली जेनरिक स्टेटमेंट क्योंकि शॉर्ट में आपको ये वो स्टूडेंट्स करते हैं जिनको आंसर के बारे में कोई आइडिया नहीं होता और वो ऐसे ही बीटिंग अराउंड द बुश ऐसे ही एक जेनरिक स्टेटमेंट डाल देते हैं दैट इज़ टू नॉट गुड उसके बाद कभी ऐसा इंट्रोडक्शन होता है कि आप इतना उसका स्कोप नैरो रखते हो कि आपको बिग पिक्चर मिस हो जाता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है तो इसकी हम सबकी एग्जाम्पल्स भी देखेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन में आप, आप किस किस तरीके से अपना आंसर इंट्र, का इंट्रो लिख सकते हो तो कभी हम क्या लिखते हैं फैक्ट और डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन अगर आपके पास कोई फैक्ट है कोई डेटा है किसी कमेटी की रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक का का कोई डेटा है आई का है एटसेट्रा एट्सेट्रा वो आप लगा सकते हो अपने इंट्रोडक्शन में कभी हम होते करते हैं डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन अगर कोई सपोज फ्रंटोजेनेसिस पे कोई क्वेश्चन है या फ्रंटोलिसिस पे कोई क्वेश्चन है और आपको पता है फ्रंटोजेनेसिस फ्रंटोलिसिस क्या होता है जस्ट डिफाइन द कॉन्सेप्ट फाइन तो डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन उसके बाद करंट अफेयर बेस्ड इंट्रोडक्शन जैसे फॉर एग्जांपल आपको पूछा गया कि नॉर्थ ईस्ट में क्या मसला चल रहा है नॉर्थ ईस्ट का जो ये वहाँ पर लड़ाई चल रही है उससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर असर पड़ रहा है तो हाउ डू यू सी इट तो ये सवाल तो तब पूछा जाएगा ना जब नॉर्थ नौ, ईस्ट में कुछ ना कुछ इवेंट हुआ होगा और जैसे आसाम और मिजोरम का मसला था तो आपने देखना है कि भाई इस मसले पर इस 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 मसले की वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आपने करंट अफेयर की एग्जाम्पल लगा दी इंट्रोडक्शन के अंदर उसके बाद आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन ये आमतौर पर बच्चे नहीं करते हैं पर जो भी ये करता है इट इज़ अ ब्यूटिफुल इंट्रोडक्शन

अब इस बच्चे ने लिखा है नॉर्थ ईस्ट रीजन इज द पार्ट ऑफ द नेशन वी आर डाइवर्सिटी इट सेल्फ इज डाइवर्स हाउ एवर दिस डाइवर्सिटी हैज लेड टू सम बॉर्डर डिस्प्यूट्स टू अब ये क्वेश्चन ये इट्स इट्स अ बैड इंट्रोडक्शन ये गलत इंट्रोडक्शन है वाई बिकॉज पहले तो आपने इ डाल दिया है ये क्यों क्योंकि क्वेश्चन इज नॉट अबाउट डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी को आप पूरे कि वी आर डाइवर्सिटी इट्स सेल्फ इज डाइवर्स फाइन एम्फेसिस ऑन डाइवर्सिटी इज नॉट रिलिवेंट इन दिस क्वेश्चन फाइन तो आपने क्या किया कॉन्टेक्स्ट ही नहीं देखा आपने कि भाई किस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है तो हम एक गुड इंट्रोडक्शन की एग्जांपल लेते हैं जैसे बच्चे ने लिखा द आसाम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट रिसेंटली विटनेस्ड क्रॉस फायरिंग बिटवीन द पुलिस फोर्सेस ऑफ बोथ द स्टेट्स व्हिच वंस अगेन हैज ब्रॉट टू द फोरफ्रंट द इशू ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया उसके बाद ये एप्ट इंट्रोडक्शन है क्यों क्योंकि इसने कॉन्टेक्स्ट समझा है किस कॉन्टेक्स्ट में सवाल को पूछा गया है तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो मसला है आसाम मिजोरम का इशू हुआ था उस वक्त तो उसकी एग्जाम्पल लेते हुए आपने एक यू नो इंट्रोडक्शन क्रिएट कर लिया था दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ गुड इंट्रोडक्शन नाउ शो आसाम मिजोरम बॉर्डर इशू दस प्रोवाइडिंग द राइट कॉन्टेक्सट टू द क्वेश्चन मिस्टेक

अब ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है सर इनकंप्लीट एंड इनकरेक्ट एंड नॉन स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन तो इससे समझ आता है कि आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में नहीं पता देखिए गुड इंट्रोडक्शन क्या है एन एप्ट डेफिनेशन एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मींस अ पोजीशन दैट ब्रिंग्स टू द पर्सन होल्डिंग इट सम फाइनेंशियल गेन और एडवांटेज और अदर बेनिफिट्स द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल

क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उस क्वेश्चन में आपने गलत इंफॉर्मेशन दे दी एक्सप्लेन द जैसे क्वेश्चन बोला, बोला फ्रंटोजेनेसिस क्या है जैसे कोल्ड एयर मास है और वार्म एयर मास है जब ये मिलते हैं तो एक फ्रंट क्रिएट हो जाता है ये फ्रंट बनने को हम फ्रंटोजेनेसिस कहते हैं फ्रंट टूटने को हम फ्रंटोलिसिस कहते हैं फाइन अब देखिए इस बच्चे ने क्या लिखा है फ्रंटोलिसिस रेफर्ड जेनिस अ फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स इन द प्रोसेस ऑफ इंटरैक्शन ऑफ टू प्लेट्स अलॉन्ग द बाउंड्री अब इसका तो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के साथ लेना देना नहीं है उसके बाद लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू प्लेट्स एट द बाउंडरी वेयर आज फ्रंटोलिस इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेट तो प्लेट 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 ही करते जा रहा है और आपका इंट्रोडक्शन ही पूरा का पूरा गलत हो गया नाउट सी वट अ गुड इंट्रोडक्शन इज ऑल अबाउट

आ, ये यहाँ पर लेंथ इंट्रोडक्शन एंगेजिंग इन अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन। अब देखिए आपका इंट्रोडक्शन आपका वो पूरा क्वेश्चन ही डेढ़ सौ वर्ड का कभी होता है और उस डेढ़ सौ वर्ड में आपने सौ वर्ड का इंट्रोडक्शन ही लिखा होता है इतना लंबा इंट्रोडक्शन जिसकी जो अननेसेसरी है जिसकी जरूरत नहीं है जैसे मिलेट्स हैव द पोटेंशियल टू एड्रेस माल न्यूट्रिशन एज वेल एज प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन इंडिया डिस्कस तो मिलेट्स पे क्वेश्चन है आपका कि वो माल न्यूट्रिशन को भी एड्रेस कर सकता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी प्रमोट कर सकता है उसको डिस्कस करना है अब देखिए कितना बड़ा इंट्रोडक्शन डाला इसने अब यहाँ पर है तो सारा ठीक डेटा जो दिया है वो भी ठीक है पर इतना लंबा इंट्रोडक्शन इज नॉट इज नॉट ए गुड इंट्रोडक्शन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन तो इसने यहाँ पर जो वर्ड लिमिट होती है 30 टू 40 वर्ड्स की उसको भी काफी एक्सीड कर लिया इंट्रोडक्शन की नाउ लेट्स सी दूसरा इंट्रोडक्शन काफी एप्ट है काफी छोटा है

तो ये आईडीबीसी का मामला चलेगा इधर पहले इंट्रो फिर डायग्राम फिर बॉडी फिर कंक्लूजन राइट दैट इज अ गुड डायग्राम बट अ रॉन्ग प्लेसमेंट नाउ सी व्हाट इज अ राइट प्लेसमेंट जैसे ये इंट्रोडक्शन ये हो गया थोड़ा सा उसके बाद आपकी डायग्राम आ गई है राइट प्लेसमेंट फाइन उसके बाद है मिस्टेक नंबर सिक्स एम्बिगस और ओवरटली जेनरिक स्टेटमेंट दैट इज बीटिंग अराउंड द बुश बीटिंग अराउंड द बुश मतलब कि आप जो है एग्जैक्ट क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे हो और आपने एक जेनरिक स्टेटमेंट डाल दी है सी क्वेश्चन क्या है

Uh, you know, overtly generic statement. You the question he repeat, now see what a good introduction would be. As per the Center for Monitoring Indian Economy, 76% of migrant workers in urban urban areas have migrated back to the rural home, uh, you know, during pandemic. So, this is using a fact, using a, a report, and uh, you know, aptly describing this particular situation. Uski baad hai, missing the big picture. That is another mistake. कि आपने जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में जो इंट्रोडक्शन लिखा चीज को कैप्चर नहीं कर रहा है वो इंट्रोडक्शन चीज को uh, समझ नहीं पा रहा है तो आपने टू नैरो तो मैं एग्जाम्पल देता हूं आपको कोविड नाइनटीन पैंडेमिक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया एनालाइज इन वन फिफ्टी वर्ड तो क्या बोला जा रहा है कि कोविड नाइनटीन पैंडेमिक की वजह से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट का इशू था वो एक्सास्टरबेट हो गया है कोविड कोविडीन की वजह से तो एनालाइज करना है आपको अब देखिए बच्चे ने क्या लिखा है अकॉर्डिंग टू सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी फिफ्टी परसेंट ऑफ एम एस एम ई आफ्टर एग्रीकल्चर इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया Now, the दिक्कत यहाँ पर क्या है इंट्रोडक्शन आपने लिखना था इंडियन इकोनॉमी पर तो आपने इसमें सिर्फ एमएसएमई को क्यों डाल दिया द बिग पिक्चर हेयर राइट सो डू नॉट नैरोस ऑन सिंगल इंडस्ट्री और सिंगल सेक्टर और सिंगल डायमेंशन और सिंगल ग्रुप अनिफिकली रिक्वायर्डेड फाइन तो, तो so, here, right? so, so, कैसा इंट्रोडक्शन होना चाहिए था देखिए इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ सिक्स फाइव परसेंट हाईएस्ट इन फोर्टी फाइव ईयर्स वॉज एक्साबेटेड बाई द पेंडेमिक रिलेटेड टू क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द सर्विस सेक्टर और दट इज अ गुड इंट्रोडक्शन कॉम्प्रेहेंसिविविव है इट कवर्स द पेंडेमिक कवर्स द अनएम्प्लॉयमेंट कवर्स द प्री एक्जिस्टिंग इन इंडस्ट्री एंड एज वेल एज द दर्विस सेक्टर और इसमें इन्होंने रिलिवेंट डेटा भी दे दिया है राइट तो uh, उसके बाद <clears throat>

उसके बाद हो गया आपके पास एक और एग्जाम्पल ऑफ अ डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन अगर क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ और इन अटेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ गुड गवर्नेंस सो क्वेश्चन आर टी पे नहीं है क्वेश्चन है गुड गवर्नेंस पे तो आपके पास गुड गवर्नेंस की अच्छी डेफिनेशन होनी चाहिए तो गुड गवर्नेंस एंड बॉडीज द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी पीपल पार्टिसिपेशन इनफॉर्म सिटीजनरी एटसेट्रा एटसेट्रा तो ये होगी डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन तो उसके बाद है आपका करंट अफेयर बेस्ड इंट्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल यहां परंट बेस्ड रीसेंटली योजना टू ऑगमेंट द सेक्टर हो गया करंट बेस्ड इंट्रोडक्शन इट इज ऑल्सो गुड बट इट हैजू बी अकॉर्डिंग टू द डिमांड्स ऑफ द क्वेश्चन उसके बाद है आपका एक और टाइप आयरनी बेस्ड इंट्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है सेल्फ सेल्फ लोकल गवर्नमेंट पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे जो सेवेंटी थर्ड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट के बाद उसको बेस्ड इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है वाइल एनविड एज अ फुल वॉक ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेसी इन इंडिया अंडर द सेवेंटी थर्ड एंड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट्स द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नाउ रिफ्लेक्ट्स ग्रास विदाउट रूट्स तो इसको तो हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी कहते थे मगर आज क्या है ये ग्रास विदाउट रूट है अनकॉमन uh, इंट्रोडक्शन है देन ओनली यू अनदर एंड लास्ट टाइप दैट इज कोट बेस्ड इंट्रोडक्शन अगर आपके पास कोई अच्छा सा कोट है विच इज रिलेवेंट टू द क्वेश्चन वहां पर यू कैन इंट्रोड्यूस योर आंसर

और कंक्लूजन देखी जाएगी पर इंट्रोडक्शन ही अगर गलत हो गया देन आप बॉडी बॉडी का क्या करेंगे और तो जनरली क्वेश्चन क्वेश्चन आपको समझना समझना है है के हर एक पार्ट को आमतौर पर यूपीएससी में एक दो या तीन पार्ट्स होते हैं हर पार्ट को एड्रेस करना है फिर जाके कंक्लूड करना है सुटेबली तो दिस वाज इट फ्रॉम मी टुडे इफ यू वांट टू जॉइन अवर आंसर राइटिंग सेशंस या आप फ्री मेंटरशिप लेना चाहते हैं आप हमारे कॉन्टेक्ट में आना चाहते हैं यू वॉन्ट टू जस्ट टॉक टू अस तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर्स इन द डिस्क्रिप्शन यू कैन गेट इन टच विद यू कैन कम टू कंटिसंस ऑफलाइन सेंटर या ऑनलाइन अगर आपको सेशन लेना है इट्स अ फ्री सेशन तो आप हमारी फैकल्टी के साथ मिलकर बैठकर बात कर सकते हैं रिगार्डिंग योर स्ट्रैटेजी इन ऑल दैट थैंक यू सो मच कट्लेस यू बै